क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, क्या बोल रहे हैं हमसे? एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 21 सेंटीमीटर। तो ये बनाया मैंने सर्कल, इसकी जो रेडियस हो जाएगी वो हो जाएगी 21 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट सेंटर इज 60 डिग्री, दैट मीन्स जैसे अगर अपने ये आर्क बनाया ये वाला, तो हमसे ये बोला गया है कि ये जो आर्क है यहाँ से ए ओ बी, ये वाला जो आर्क है ना, ये जो एंगल सबस्टेंड कर रहा है कहाँ पे, सेंटर पे, वो है 60 डिग्री। अब हमसे पूछा है कि एरिया ऑफ सेक्टर निकालो, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो, एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री इंटू थीटा, ठीक है, इंटू थीटा, थीटा थीटा होता है ये 60 डिग्री, मतलब जो भी सेंटर पे अपन को एंगल दिया वो होता है थीटा, ठीक है। तो यहाँ से अपन डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, पाई आर की जगह, पाई की जगह रख देंगे 22/7, रेडियस की जगह आ जाएगा 21 इंटू 21, थीटा अपन को 60 डिग्री दिया हुआ है, और अपॉन में हो जाएगा 360 डिग्री इंटू 360 डिग्री, ठीक है। ये 360 से 60 सिक्स टाइम चला जाएगा, 7 3 जा 21, 3 2 जा 2 11 जा, तो अपने पास बचा क्या है, 11 इंटू 21, दैट इज कितना हो जाएगा, 1 3 और 2, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। 231 अपना ऑप्शन है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अब मान लो अगर आपको ये एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला याद नहीं है तो अपन इसको निकालेंगे कैसे? ऐसे निकालेंगे, देखो पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई, ये क्या हो गया, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पूरे सर्कल में एंगल कितना होता है, 360 डिग्री, ठीक है। 360 डिग्री में, 360 डिग्री का एरिया है पाई आर स्क्वायर, तो 1 डिग्री का एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाय 360 डिग्री, ठीक है। और थीटा डिग्री का एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो यही यही आ गया अपना एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, और फिर आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं।